चामोर्शी तालुक्यातील मारखंडा येथील मुरलीधर अकुलवार व त्यांच्या पत्नी सिंधुबाई अकुलवार हे गेल्या 50 वर्षांपासून मारखंडा येथे वास्तव्य करीत होते, पण 3 वर्षांपूर्वी त्यांचं घर पावसामुळे पडलं होतं। तरी पण ते एक लहानशी झोपडी बांधून दिवसभर वास्तव्य करून रात्रीच्या वेळी घराजवळील मंदिरात जीवन कसे बसे जगत होते। त्यांच्या या हलाकीच्या परिस्थितीबद्दल आष्टीचे सामाजिक कार्यकर्ता संजय पंदिलवार यांनी आष्टी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक रजनेश निर्मल यांना माहिती दिली। त्यानंतर त्यांनी मारखंडा येथे वास्तव्य करीत असलेल्या घरी जाऊन भेट देऊन विचारणा केली। ही बाब निर्मल यांनी पोलीस अधीक्षक गडचिरोली शैलेश बलकवडे, अप्पर पोलीस अधीक्षक गडचिरोली मोहित कुमार गर्ग, अहेरी पोलीस अधीक्षक मनीष कवालनिया, उपविभागीय पोलीस अधिकारी बजरंग देसाई यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांच्या प्रेरणेतून व मार्गदर्शनातून नवीन घराचं बांधकाम करण्यास सुरुवात करण्यात आली। या घराच्या बांधकामासाठी लागणारा निधी सामाजिक कार्यकर्ता संजय पंदिलवार व आष्टी पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी स्वखुशीने आपापल्या मासिक पगारातून देणगी गोळा केली आणि सुंदर घराचं बांधकाम हे 28 दिवसात पूर्ण करून त्यांना स्वयंपाकासाठी लागणारं साहित्य पुरवठा करून त्या घराचं रितसर अकुलवार यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं आणि पोलीस स्टेशन आष्टीच्या वतीनं कार्यक्रम करून घर बांधकाम करण्याकरिता मदत करणारे विनोद गौरकार, सतीश चिप्पावार, गुरु जयपूरकर, दिवाकर कुंदोजवार पेद्दीवार, आलोक मंडल यांचा अहिरीचे पोलीस अधीक्षक मनीष कवालनिया यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आष्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मारकंडा गांव में हम आए हुए हैं। यहां पे जो पीछे आप घर देख रहे हैं, यहां पर एक पहले एक झोपड़ी होती थी और उसके मालिक थे वो काफ़ी परेशान थे। उनकी वाइफ और वो अकेले ही पड़ गए थे और उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था। उसी बात की खबर जब आष्टी पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों को और PI रजनीश निर्मल को पड़ी तो उन्होंने डिसाइड किया कि इनके लिए हम लोग अपनी सैलरी से कुछ पैसे इकट्ठे करके और अपने श्रमदान से एक नया घर बनाकर इस वृद्ध दंपत्ति को गिफ्ट करेंगे। तो इनका ये काम आज पूरा हुआ है और आज उन्हीं के दोनों हस्बैंड वाइफ के हाथ से एक घर का उद्घाटन भी हुआ है और आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही कम समय में, मात्र 28 दिनों में इन्होंने ये काम पूरा किया है और इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और हमने यहाँ पे आके सब लोगों ने मिलकर इस इनॉग्रेशन को उत्साहपूर्वक सबने भाग लिया है इसमें और काफ़ी खुशी का माहौल है। और मैं एक बार फिर से पुलिस स्टेशन के सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि इस छोटे से टाइम में उन्होंने अपनी सैलरी और श्रमदान से ये एक बहुत ही सुंदर तोहफा इस वृद्ध दंपत्ति को दिया है।